नमस्कार, मैनफी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानिया ठाकुर। सपा मुखिया एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर जगह जगह बूथ सम्मेलन किए जा रहे हैं, उसी के चलते कुरावली थाना क्षेत्र में एक बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज सपा के नगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी द्वारा एक बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सपा के सुखवीर सिंह, चंद्रशेखर, मदन लाल वर्मा, रेहान उल्ला खान, हसीन रहीन मौजूद रहे। सीधा सीधा संदेश महागठबंधन की एकता का प्रदर्शन करना था। पब्लिक को संबोधित करने के लिए मैनपुरी के सांसद तेज प्रताप यादव व विधायक राजकुमार यादव को बुलाया गया था, परंतु वह किसी कारणवश सम्मेलन में पहुंचने में असमर्थ रहे। सुखवीर सिंह यादव ने पब्लिक को संबोधित करते हुए बीजेपी पर खूब बरसे और नगर के लोगों को एकजुट होकर महागठबंधन को वोट देने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सपा नगर अध्यक्ष के विरोध में नारे लगने की घटना भी सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। बोला, चूंकि नगर कुरावली में समाजवादी पार्टी और बसपा का एक गठबंधन का बूथ सम्मेलन था, यहाँ एक विरोध का प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला, क्या कारण है, क्या है ये? कुरावली में नगर अध्यक्ष को जनता पसंद नहीं करती है, इसलिए ये मीटिंग फेल हुई है। इसलिए नगर अध्यक्ष को, कुरावली नगर अध्यक्ष को हटाया जाए। आपका इतना देरी से आने का कारण क्या है? हम तो सांसद जी के सामने आना चाह रहे थे, सांसद जी, और जहाँ पर सांसद जी ने मीटिंग फ्लॉप कर, यानी सांसद जी आए नहीं और मीटिंग तो वैसे ही फ्लॉप थी, जनता इकट्ठी हो नहीं पाई। मतलब क्या लगता है, नगर में जो कमेटी है उसमें भी दो टूक देखने के लिए मिल रहा है, क्या कारण है? नगर अध्यक्ष की मानसिकता अच्छी नहीं है, कार्यकर्ताओं को कोई अवगत नहीं कराता कोई बात, और कार्यकर्ताओं से हर वगैरह लड़ने के लिए मौजूद रहता है। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं नगर अध्यक्ष कुरावली जल्द से जल्द हटाया जाए।